वेलकम टू व्हील्स सिंस 2020। बिफोर वी स्टार्ट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल व्हील्स सिंस 2020। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं होंडा के हॉर्नेट 2.0 के बारे में। तो दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, होंडा जो है एक जापान का ब्रांड है एंड ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड एंड फेमस ब्रांड है। इंटरनेशनल मार्केट में हर साल इसकी बहुत सारी बाइक्स जो है, टू व्हीलर जो है एंड फोर व्हीलर भी ये बनाती है, सभी सेल हो रहे हैं। एंड दोस्तों, इंडिया में भी इसके टू व्हीलर्स बहुत ही ज़्यादा फेमस है। चाहे बात करें होंडा की एक्टिवा की या फिर होंडा हॉर्नेट की, तो ये सभी गाड़ियाँ जो है बहुत ही ज़्यादा सेल हो रही है इंडिया में। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं होंडा हॉर्नेट 2.0 के बारे में, जो कि एक अपडेट आने वाला है इस गाड़ी में बहुत जल्द, आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, होंडा हॉर्नेट 2.0 में आप लोगों को अब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है होंडा इंडिया बहुत जल्द इंट्रोड्यूस करने वाला है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, होंडा के प्रीमियम टू व्हीलर्स में जो कि अब्रॉड इंटरनेशनल मार्केट में सेल होते हैं, जैसे कि फोर्जा 750 एंड होंडा XT AXT VV, ये दोनों गाड़ियाँ आप लोगों को कनेक्टिविटी के साथ मिलती है, जिसे कहते हैं रोड साइन। दोस्तों, इसी ट्रेडमार्क को फॉलो करते हुए होंडा जो है बहुत जल्द इंडिया में भी कनेक्टिविटी ला सकता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इंट्रोड्यूस करवा सकता है अपने टू व्हीलर्स में। एंड दोस्तों, सबसे पहले ही आप लोगों को होंडा एक्टिवा 125 एंड आप लोगों को हॉर्नेट 2.0 में देखने को मिलेगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की यूज़ में आप लोग गाड़ी को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आप लोगों का ट्रिप मीटर, आपके फ़ोन का चार्ज, आपका टॉप स्पीड रिकॉर्डर, आपकी गाड़ी की लोकेशन, ये सब कुछ आप लोग चेक कर सकते हैं इजीली। तो काफ़ी अच्छा रहेगा अगर ये फीचर बहुत जल्द इंट्रोड्यूस हो जाए इंडिया में। अगर ये फीचर की बात करें तो आप लोग इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गाड़ी में आने की बाय द एंड ऑफ 2021, यानी कि नवंबर दिसंबर के महीने के आसपास, या फिर दोस्तों 2022 के स्टार्टिंग में ही ये आप लोगों को होंडा की गाड़ियों में देखने को मिल जाएगा। तो फाइनल गाइस, आज के इस वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन था आप लोगों के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। एंड दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ये भी बताएं कि होंडा हॉर्नेट 2.0 में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर के बारे में आप लोगों की क्या राय है। एंड इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप लोग इस गाड़ी के बारे में और कुछ पूछना चाहते हैं या फिर और कुछ जानना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग कमेंट में जाके मुझे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के सवालों के जवाब आपको कमेंट में ही दे दूंगा। एंड इसके साथ साथ, अगर आप लोग किसी और गाड़ी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, किसी और गाड़ी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग कमेंट में जाके मुझे बता सकते हैं। मैं उस गाड़ी का रिव्यू वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपने चैनल में डाल दूँगा। तो फाइनली गाइस, अब इस वीडियो को एंड करने का वक्त आ चुका है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड करने से पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं एंड दोस्तों पहली बार के लिए आए हैं, तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे एंड ऐसे अमेजिंग वीडियोस आप लोग आगे भी हमारे चैनल पर देख सके। तो फाइनल गाइस, अब इस वीडियो को एंड करने का वक्त आ चुका है।
तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।